यहाँ पे साइकिल जीत रही, हमेशा जीतती रहेगी, 200 साल से साइकिल जीत रही है यहाँ। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में साइकिल चलेगी रफ्तार पर, रफ्तार पर। और कमल का फूल जाएगा ऐसे कचरा में। अब उनसे बहुत बात कर उनसे पूछ लेते हैं। आपकी बारी खत्म। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं जी? और क्या? अच्छा, और क्या? फर्स्ट टाइम वोटर जी, तो रही बताइए किसको वोट दे के आ रही हैं, किस मुद्दे पे दे के आ रही हैं? मैं नमस्कार भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। आज उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान जारी है। 59 सीटों पर आज उत्तर प्रदेश के लोग अपना मत जो है वो देने जा रहे हैं। और तीसरे चरण में ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर जो सीटें हैं वो यादव लैंड कही जाती हैं। इसमें साफ साफ ये जाहिर है कि समाजवादी पार्टी का इस तीसरे चरण में दबदबा रहने वाला है। और जहां तक रही बीजेपी की बात, तो जो मुद्दे हैं जिन पर जनता वोट कर रही है, अगर हम उनकी बात करें तो उनको देखते हुए भी कहीं ना कहीं ये जो पूरा चरण है वो बेहद ख़ास हो जाता है। और यहां जिस वक्त, इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं, ये सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है। ये करहल की वही सीट है, मैनपुरी करहल की, जहाँ से अखिलेश यादव ने अपना नामांकन किया और यहाँ से उनको बीजेपी के SP सिंह बघेल वहाँ से टक्कर दे रहे हैं। और इसलिए ये बहुत ज़्यादा चर्चित है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी चर्चाएं हो रही हैं। खुद मुलायम सिंह यहाँ आए और उन्होंने अपने बेटे के लिए जनता से वोट मांगे। यहाँ से समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये वैसे तो, इसीलिए शायद सुरक्षित सीट देखते हुए अखिलेश यादव ने यहाँ से अपना नामांकन किया। और ये भी एक बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने सेफ सीट पर दाव खेला है। तो यहाँ से जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के लिए। और जैसा कि गढ़ है तो ज़्यादातर लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन हर तरह के लोग हर जगह हैं, मतदाता बटे हुए हैं या उनके विचार क्या हैं वो जानने की हम कोशिश करते हैं। वोट डाल के आ गई आप? अभी नहीं डाला, अभी डालने जाएंगे, इंतज़ार कर रही हैं। हाँ हाँ, तो क्या सोच के आई हैं, किसको वोट देना है, किस हिसाब पे देना है, किस काम पे दे रही हैं? अपने हिसाब से देंगे। आपका हिसाब क्या है? अपने मायावती को दूंगी। आप मायावती को दूंगी? मायावती, लेकिन यहाँ तो मैं जिससे बात कर रही हूँ सब अखिलेश कर रहे हैं। अरे कर रहे, वो अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कर रही हैं। हम तो BSP के कैंडिडेट कुलदीप नारायण हैं। हाँ, तो कुलदीप नारायण को देंगे। क्यों, मतलब यहाँ से क्या मतलब? ये तो वैसे भी यहाँ अखिलेश यादव के लोग कह रहे हैं 1.5 लाख से जीतेंगे, 2 लाख से जीतेंगे। उनके कहने से ना कहने से क्या होता है, हम अपने हिसाब से अपनी मायावती देंगे। और फिर हम तो अपने भरोसे से दे रहे हैं, कोई भी जीते, हम ये तो नहीं जानते, हम तो अपनी जात बिरादरी को देंगे, हम दूसरे को क्यों दूं। बस तो आप अपने जात बिरादरी को देख के उस हिसाब से वोट देंगे। और उत्तर प्रदेश में क्या होगा वो देखा जाएगा, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, अच्छा होगा या खराब वो उनके ऊपर है। मतलब जो भी होगा, लेकिन आपका वोट फिक्स है? फिक्स है, हमारा तो फिक्स है। तो ये वोटर है, फिक्स वोटर्स में से हैं। आइए आप भी आ जाइए। आपका नाम? विजय कुमार। विजय कुमार जी, आप किन मुद्दों पर वोट देने जा रहे हैं? जो विकास करेगा उसी को देंगे। अच्छा, तो विकास पहले से तय किया होगा आपने कि किसको देंगे, क्योंकि उसके बाद ही विकास होगा ना, सरकार बनेगी। अभी तो नहीं तय किया। नहीं तय किया, अंदर जाके तय करेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, ये बिल्कुल एंड टाइम पर डिसाइड करेंगे कि किसको वोट देना है। जी बिल्कुल। तुक्केबाजी तो नहीं चलेगी? क्या तुक्केबाजी तो नहीं चलेगी? नहीं, तुक्केबाजी नहीं चलेगी। तो ऐसे भी कुछ वोटर्स हैं जो बिल्कुल अभी तक कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज किसके किसके बीच हैं आप? कुछ तो सोचा होगा आपने कि सारी पार्टियों में कंफ्यूज हैं? नहीं नहीं, सारी में नहीं। हाँ, तो किसके किसके बीच? SP में नहीं है, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जी। अच्छा, तो आप समाजवादी पार्टी के वोटर हैं? जी बिल्कुल। हाँ, समाजवादी पार्टी को देंगे। बीजेपी से कोई खास नाराजगी? बिल्कुल है नाराज, मैं किसान हूँ एक। अच्छा। तो रात रात भर में जाकर गायों को रखाते हैं और मेरी जैसे घर पे चले जाते हैं वैसे। अच्छा, ये गाय भगाने में? हाँ, जिदी हो जिदी हो जिदी हो जी, सब खेत खा ले रही जिदी हो, ये सब चोटे लगी हैं, चोटे लगी गई हैं रखात पर। तो इन्हीं मुद्दों पे वोट देने वाले हैं आप लोग? अखिलेश को देते वोट हम लोग। हाँ, तो अखिलेश जी आएंगे तो खेतों से ये गाय बैल जो भी है भग जाएंगे? अरे वो इंतजाम कर रहे हैं, उनका इंतजाम होगा। सतयुग त्रेता द्वापुर में क्या होता था? सतयुग त्रेता द्वापुर में क्या राजनीति थी कि लोग शासन करने के बाद सन्यासी हो जाते थे, शासन करने के बाद सन्यासी होते थे। और इस कलयुग में देखिए, सन्यासी होकर शासन कर रहे हैं और वो भी शासन करना आता नहीं है। तो कलयुग में राम राज्य भी तो लेके आ रहे हैं। कहाँ राम राज्य है, कहाँ राम राज्य है जी, गुंडागर्दी चल रही है सरे। हम हाँ, राम मंदिर बीजेपी वाले तो, राम मंदिर, राम मंदिर तो, राम मंदिर तो हर 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 इंसान के दिल में है। राम उनके मंदिर से मंदिर बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनवा दिया है। इन्होंने क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अलावा?
लेकिन उनको टेंट से लेके मंदिर तक का सफर तो बीजेपी ने तय किया। हम लोगों ने इतना चंदा दे रखा, उस चंदे में तो घोटाला कर गए करोड़ों रुपए के बीजेपी वाले। कहाँ गया वो चंदा? हजारों करोड़ों रुपए का चंदा लेके चले गए वो। तो आपको रामराज्य कहीं नजर नहीं आ रहा? कहीं रामराज्य नजर नहीं आ रहा। 10 मार्च को रामराज्य नजर आएगा। 101 मन की कथा हम खुद करवाएंगे अखिलेश यादव के नाम से यहाँ पे। अच्छा। जी अखिलेश यादव से के नाम से कथा करवाएंगे? मैं करवाऊंगा 101 मन की, 40 क्विंटल 40 किले की कथा करवाऊंगा मैं। अखिलेश यादव सुन के खुश हो जाएंगे? जी नाम सुबोध यादव, नंगला रहते करहल में ही रहता हूँ मैं जी। सारे सारी रात अभी 7 बजेंगे टॉर्च लेके चल देंगे हार में, सांड देखेंगे, गैया देखें, सब गेहूँ खाई गई। कहाँ जाए वोट डालिए? अभी जा रहे हैं। किसको जिता रही हैं? साइकिल को। साइकिल को इधर आइए, साइकिल कहने से पहले गाड़ी से बच जाइए पहले। थोड़ा 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 देखिए, पीछे पीछे देख के देख के, आप पीछे देख के। तो वोट डालने जा रही है? साइकिल को ला रही है, साइकिल को। योगी जी का क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बात ही नहीं करनी? नहीं बात ही नहीं करनी। काहे नहीं बात करनी? नहीं करनी। विकास क्या किया योगी जी ने? अच्छा, कुछ शिक्षा के मात्र कोई बनाई, विकास नहीं, बच्चों के स्कूलों में योगी कौन वोट देगा? इसलिए नहीं देंगे, साइकिल को देंगे। साइकिल को देंगे? साइकिल से आपको लग रहा है विकास हो रहा है? साइकिल से विकास होगा, हमेशा हुआ है। तो योगी जी का विकास नहीं दिखा आपको? हमें बिल्कुल नहीं दिखा योगी जी का विकास। महिला सुरक्षा दिखी? हम महिला भी सुरक्षा नहीं दिखी है। हाथरस में कांड हुआ उसका नहीं बताया आपको? हाँ बताइए आप। हाथरस में कांड हुआ, महिला सुरक्षित नहीं कोई है, ना बच्चा सुरक्षित है। जो बच्चे 5 साल के स्कूल जा रहे सब पढ़ाई भूल गए हैं। कौन सा विकास हुआ है योगी जी के? जो बच्चे छोटे थे वो पढ़ाई भूल गए। हाँ मेरा बच्चा बिल्कुल बेकार है। तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ये समस्या है। महिला सुरक्षा भी आप कह रही हैं कि नहीं? नहीं है बिल्कुल, कोई सुरक्षा नहीं है इन सरकार में। लेकिन बाकी जितने देखिए गृह मंत्री आते हैं वो कहते हैं कि तो कहेंगे उनका पावर उनके सरकार, वो तो कहेंगे सब कुछ हुआ है। मैं नहीं जानता, मैं साइकिल को जताएंगे यहाँ से। तो साइकिल में आपको सुरक्षा महसूस होती थी? बिल्कुल। लेकिन योगी जी की जितने मंत्री हैं, खुद योगी जी कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री को यहाँ से साइकिल जीतेगी और पूरे, हाँ, और मुख्यमंत्री अखिलेश बने। वो कह रहे हैं कि तब जब अखिलेश की सरकार थी तब दंगे होते थे, झगड़े होते थे। वो तो कहेंगे कब दंगे हुए, यहाँ तो दंगे कोई हुए नहीं है। वो कहते हैं मैं पेपर लेके आया हूँ, 300 दंगे हुए हैं। पेपर लेके या उनके भी पेपर देख लो योगी, क्या क्या दंगे हुए हैं उन पे, दंगे कांड लगे, इतना कोई हुआ नहीं है। आपका नाम? हमारा नाम सपना। सपना जी तो थोड़ा आराम से बात कर लेते हैं। मोहन से करो बात और पीछे। नहीं नहीं, मुद्दों पे बात करते हैं। आप कह रही है महिला सुरक्षित नहीं है? नहीं है सुरक्षित। तो इस मुद्दे पे वोट पड़ रहे हैं? हाँ पड़ रही है। यहाँ पे साइकिल जीत रही है, हमेशा जीतती रहेगी, 200 साल से साइकिल जीत रही है। और उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में साइकिल चलेगी रफ्तार पर, रफ्तार पर। और कमल का फूल? कमल का फूल जाएगा ऐसे कचड़ा में। अब उनसे वोट कर बात कर उनसे पूछ लेते हैं। आपकी बारी खत्म, जीत जाए साइकिल वाला अखिलेश भैया। ये सोच के डाला कि जीत जाए? हाँ और क्या है, साइकिल पे डाल के आए। हाँ साइकिल पे डाल के आए। तो कमल के फूल से योगी जी से क्या कोई दिक्कत थी? दिक्कत तो है ही। अब दिक्कत तो ज्यादा दिक्कत है, गईया खेतन में कोई चीज नहीं हो रही, खेतन में बच्चा स्कूल नहीं जा रहे, बच्चा घर ही उदमबाजी कर रहे, तो ये दिक्कत ही है, पढ़ाई लिखाई सब बंद ही है। आप लोगों की आवाज वैसे भी आएगी नहीं माइक पे, उनकी आएगी, तो आप लोग पीछे से मत बोलिए। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं जी? और क्या। अच्छा और क्या, फर्स्ट टाइम वोटर जीत रही, बताइए किसको वोट दे के आ रही हैं, किस मुद्दे पे दे के आ रही हैं? मैं साइकिल में वोट डाल के आ रही हूँ मैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने तो कोरोना लगा दिया था और कॉलेज भी बंद कर दिया, कॉलेज नहीं जा पाई, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई है इस बार तो। तो अखिलेश आएंगे तो कॉलेज खुलेंगे? हाँ यस, वो तो खुलवाएंगे, वो पहले खुले अभी भी खुलेंगे वो तो। इतनी सिलेंडर है? सिलेंडर है, योगी जी दिए थे कि? योगी जी दिए थे, एक बार दे दिया, अभी दोबारा तो 1000 का कर दिया, बताओ। तब से रखा ही है, तब से रखा ही है, हाँ तब से रखा ही है, भरा ही नहीं पाया। तो अब क्या लकड़ी पे खाना बना रहे? अब लकड़ी से ही बना रहे खाना और क्या। एक बार दिए थे, अब होली दिवाली पे देंगे कह रहे हैं? जब कनेक्शन करवाया था ना तभी फ्री आया था, फिर उसके बाद अब कह रहे हैं 500 रुपए का कर देते। अरे सुनो तो, अब तो कह रहे हैं कि अब अगर सरकार आई ना हमारी तो होली और दिवाली पे फ्री देंगे। सब ऐसे ही बोलते हैं, बाद में सब कोई नहीं, सब ठुकराते हैं। कहाँ 15 लाख, हमारे 500 रुपए तक नहीं आए हमारे खाते में। ई श्रम कार्ड बनवाया उसमें भी नहीं, एक पैसा भी नहीं, अते वो भी कट गए, वो भी कट जाते, और क्या कट गए, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं।
योगी जी कह रहे हैं बिजली दी है हमने उत्तर प्रदेश में, बिजली आती है? बिजली आती है लेकिन क्या फ्री तो है ना, बिल तो बिल कितना महंगा है, बिल तो है, बिजली आती है पर बिल भी आता है, बिल आता है और क्या। तो अखिलेश कह रहे 300 यूनिट फ्री देंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे फिर तो। वो सही है, अब सही है। और मतलब अखिलेश के 300 यूनिट फ्री पे भरोसा है, और योगी जी कह रहे हैं कि दिवाली और होली पे फ्री सिलेंडर देंगे तो भरोसा नहीं है? अबे तक तो दो नहीं, अब तीन, हाँ दो तीन साल हुई तब से, एक बार मिल गया, अब दोबारा कोई सुनवाई नहीं है। अब ना 1000 कर पाए योगी जी ने, करो 1000 ना कर पाए ना भरवा पाओ दोबारा, तब से लकड़ी से ही रोटी बना रहे हैं। आप तीनों फर्स्ट टाइम वोटर लग रहे हो मुझे, तीनों फर्स्ट टाइम वोटर हो, पहली बार वोट दे रहे हो? तो पहली बार जो वोट देते हैं उनको, उनके अंदर तो बहुत उत्साह रहता है कि अपनी सरकार लानी है, अच्छी सरकार लानी है। कौन सी सरकार को देख रहे हैं आप? अखिलेश। अखिलेश क्यों है, क्यों कारण है कुछ? विकास है, विकास है। आपका नाम? कहकशा। और ये दोनों पीछे से निकल गए। तो ये फर्स्ट टाइम वोटर, अब ये सोच रही होगी कि मैं फंस गई, लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर हो तो इसका मतलब आप अब आज के बाद से, अब के बाद से आप हर चुनाव में वोट दोगे, आपकी इम्पोर्टेंस है देश में, सरकार सत्ता व्यवस्था तय करने में आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर आप इतना घबराओगे तो कैसे चलेगा? तो ये बताइए कि आज आप लोग जब चुनाव में वोट देने जा रहे थे तो क्या सोच के गए थे, कुछ सोचा दिमाग में कुछ था? योगी जी की सरकार देखी? मैंने कुछ नहीं देखी, मैंने अकेली सरकार देखी, मैंने देखी है। कैसी लगी? अच्छी लगी, वो बेहतर थी योगी जी की? नहीं, योगी जी की बेहतर नहीं थी? नहीं नहीं। तो यहाँ से तो साइकिल आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? साइकिल ही निकलेगी, वो साइकिल ही निकलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया, चलिए कोई नहीं।